अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक है यस्सरनल कुरआन, पेज नंबर 13, लाइन नंबर 11। पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल, ज़बर, द, दाल, ज़ेर, दी, दाल, पेश, दू, ददी दू, दाल, ज़ेर, दी, दाल, पेश, दू, दाल, ज़बर, द, दीदू द, दाल, ज़बर, द, दाल, पेश, दू, दाल, ज़ेर, दी, ज़दु दी, दाल, पेश, दू, दाल, ज़ेर, दी, दाल, ज़बर, द, दुदी द। आइए अब हम रवा पढ़ते हैं। यहाँ पे तवज्जो रखें, द, दी, दू, ददी दू, दी, दू, द, दीदू द, ज़ु, ज़ी, ज़ज़ु ज़ी, ज़ु, ज़ी, ज़ा, ज़ुज़ी ज़ा। आइए अब हम उर्दू का सबक याद करते हैं। यहाँ पे देखें, इसे शीन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीन। पढ़े, शीन, शीन, शीन। और ये शीशी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? शीशी की। तो शीन से शीशी, शीन से शीशी, शीन से शीशी। ये क्या है बच्चों? सीन, सीन से साइकिल। और ये शीन, शीन से शीशी, शीन से शीशी, शीन से शीशी। आइए बैतुल खला से बाहर निकलने के आदाब पढ़ते हैं। उसमें पहला आदाब है, बैतुल खला से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालें। प्यारे बच्चों, बैतुल खला से बाहर निकलते वक्त पहले कौन सा पैर बाहर निकालना है? दायां पैर। कौन सा? दायां पैर, आपका सीधा पैर। दूसरा आदाब है, बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद दोनों हाथ और पैर धोना। प्यारे बच्चों, बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद आपको अपने दोनों हाथ और पैर अच्छी तरीके से धो लेने हैं। तीसरा आदाब है, बाहर निकलने की दुआ पढ़ना। बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद दुआ पढ़नी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।